गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंजाइम कैटलिस्ट। इंजाइम कैटलिस्ट का यूज जनरली बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, एनिमल बॉडी में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। तो इंजाइम कैटलिस्ट क्या है, देखिए इंजाइम कैटलिस्ट क्या है। इंजाइम आर कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वो कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, जिसको हम लोग किससे लेते हैं, विच प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल। लिविंग प्लांट और एनिमल से हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं। दे आर प्रोटीन मोलेक्यूल, ये जनरली क्या है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंड फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन विथ वाटर, वाटर के साथ ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, ये वेरी स्पेसिफिक भी होता है, प्रॉपर्टी में लिख देंगे। दे आर वेरी स्पेसिफिक कैटलिस्ट, मेनी रिएक्शंस अकर इन बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है उसको कैटलाइज करता है एंजाइम, इसलिए इसको बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इट इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये जो होता है इट इज वेरी स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि हर पोर्शन के लिए अलग अलग एंजाइम है। जैसे सुक्रोज को डिसोसिएट करना है तो इन्वर्टेस ही एंजाइम यूज होगा, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा। स्टार्च को डिसोसिएट करना है तो वो डायस्टेज ही डिसोसिएट करके उसको क्या करेगा, माल्टेस में कन्वर्ट करेगा। फिर माल्टोज को वाटर के साथ, माल्टेस क्या बताए, वाटर के साथ ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। माल्टोस माल्टेस के प्रेजेंस में, माल्टेस हो गया कैटलिस्ट मतलब एंजाइम कैटलिस्ट, डायस्टेज हो गया इसके लिए। अब सोचिएगा माल्टेस डाल के इसमें करें, ये पॉसिबल नहीं होता, ये वेरी स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में जाइमेज ही डिसोसिएट करेगा। यूरिया को यूरेज, यूरिया के लिए यूरेज। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो लैक्टोबेसिस बेसिली है एंजाइम, उससे होता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया प्रोटीन का, यानी मोनोमर हो गया, ठीक है। तो यही है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट क्या हो गया, कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। दे आर प्रोटीन मोलेक्यूल एंड फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन विथ वाटर, वाटर के साथ ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ये याद रखना है। देखते हैं जितना के साथ वाटर के साथ है सब कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जो है हमारे बॉडी में और प्लांट के बॉडी में बहुत तरह का रिएक्शन होता है, तो बहुत तरह का रिएक्शन होता है तो उसको फास्ट कौन करता है, एंजाइम कैटलिस्ट, इसलिए इसको बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट। में कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देना, हम लोग पढ़े हैं। तो अब यहाँ एंजाइम कैटलिस्ट बॉडी में क्या करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर बॉडी है, बॉडी में बहुत चीज़ खाते पीते हैं, अगर एंजाइम बनना शुरू बंद हो जाए तो बॉडी पचा ही नहीं पाएगा कोई चीज़, रिएक्शन ही स्लो हो जाएगा, नहीं समझे। इसलिए ये जो है वेरी स्पेसिफिक नेचर का भी होता है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होता है, इसमें बहुत सारा कैविटीज होता है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट इन
सरफेस ऑफ एंजाइम, इसके सरफेस पर बहुत ज़्यादा कैविटीज प्रजेंट रहता है। दीज कैविटीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसका शेप अलग अलग रहता है, ठीक है, शेप एंड कंटेंस एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, और उसमें एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रजेंट रहता है लाइक COOH, CONH2, NH2, OH, SH, etc. रिएक्टेंट मोलेकुल है कम्प्लीमेंट्री शेप, रिएक्टेंट मोलेकुल का जो होता है कम्प्लीमेंट्री शेप होता है, और वो फिट कर जाता है किसमें, इसमें कैविटीज में, जस्ट लाइक लॉक एंड की, की और लॉक के तरह ये फिट कर जाता है। तो मान लीजिए इतना तो नहीं बनाएंगे, अब बना लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग कैविटीज बनाए, कैविटीज मान लीजिए इस तरह का बना, किसी भी तरह का कैविटीज बना सकते हैं। ये अगर एंजाइम है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये जैसे है मान लीजिए कैविटी, हम इस तरह का बनाएंगे, जिस तरह का भी मन है उस तरह का बना लीजिए, ये कैविटीज हो गया, ये एंजाइम है, एंजाइम है, ठीक है। अब रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट में इस तरह का निकला हुआ बनेगा, इस तरह से निकला हुआ रहेगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट बोल सकते हैं या सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, ये बोलिए रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ठीक है, ये एंजाइम है, ये रिएक्टेंट, ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये अब क्या होगा फिट कर जाएगा इसमें, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, इसी में ये फिट कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये फिट कर दीजिए, ये अब मान लीजिए ये फिट कर गया कैविटीज, ये क्या हो गया, ये फिट कर गया ना, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये क्या है एंजाइम है, एंजाइम है नहीं। अब ये दोनों मिल करके क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब ये टूटेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब ये टूटेगा, और एंजाइम अपने कैविटी के अनुसार, एंजाइम जो है अपना कैविटी लेके अलग हो जाएगा, और ऊपर में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ना, प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम बच गया। अब ये हो गया एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हुआ ये एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बना दीजिए, इधर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इधर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट अपना बन गया, मान लीजिए ये P1 बन गया, ये P2 बन गया, ये एंजाइम आपका ज्यों का त्यों बच गया, एंजाइम क्या हो गया ज्यों का त्यों बच गया। तो इस ऐसा जरूरी नहीं कि इसी टाइप का की बने, आप जिस टाइप का भी की बना सकते हैं, जिस टाइप का भी कैविटीज बना सकते हैं, जिस तरह का कैविटी रहेगा उसी के कम्प्लीमेंट्री रिएक्टेंट का
की बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट इंजाइम के साथ, रिएक्टेंट प्लस इंजाइम, ये रिएक्शन किया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अब बन गया आर ई कम्प्लेक्स, ठीक है, ये बन गया आर ई कम्प्लेक्स। आर ई कम्प्लेक्स मतलब रिएक्टेंट प्लस इंजाइम, ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है, ये मेरा इंजाइम है, इंजाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड केस में ये टूटेगा, कम्प्लेक्स ये टूटेगा आपका, रिएक्टेंट प्लस इंजाइम प्लस पी वन प्लस पी टू के रूप में टूटेगा। ऐसा जरूरी नहीं दो एगो प्रोडक्ट, ज़्यादा भी बन सकता है, ठीक है। ये जो होता है ये रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होता है, ये स्लो भी होगा और रिवर्सिबल होगा। ये जो रिएक्शन होगा फास्ट भी होगा, ये फास्ट होगा और इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, स्लो रिवर्सिबल तो दिख ही रहा है, फास्ट इरिवर्सिबल दिख ही रहा है। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसमें कुछ नहीं है। इंजाइम में जो है बहुत कैविटीज प्रेजेंट होता है, ये थ्योरी कह रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, इंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज होता है, दीज कैविटीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसका जो एक अपना शेप होता है, मान लीजिए ये इंजाइम लिए तो इसका अलग शेप है, ये इंजाइम है तो इसका अलग कैविटीज है, तो कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड कंटेंस फंक्शनल ग्रुप्स, में जो है फंक्शनल ग्रुप रहता है प्रेजेंट, एसिड एमीन एमाइड जो भी है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। रिएक्टेंट मोलेक्यूल है कम्प्लीमेंट्री शेप एंड कैन फिट इन टू दोज कैविटीज लाइक लॉक एंड की, इस तरह से फिट कर जाता है, जैसे ताला चाबी से खुलता है ना, उस तरह से फिट कर जाता है। तो यही हो गया मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, समझ में आ गया कि इंजाइम लिए रिएक्टेंट इसके कैविटी में आके फिट कर जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री शेप होगा, इसका ये वाला ऊपर नहीं होगा कभी, जब भी होगा इधर फिट करने के लिए ही होगा। ये जो रिएक्शन होता है स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, जैसे ये दोनों मिला तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, कम्प्लेक्स कंपाउंड पीओ, कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब ये कम्प्लेक्स कंपाउंड तुरंत डिसोसिएट होता है फास्टली, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इंजाइम और प्रोडक्ट में टूट गया, इंजाइम प्लस रिएक्टेंट अब तो बचा नहीं, रिएक्टेंट क्या हो गया प्रोडक्ट में टूट गया ना, तो इंजाइम रहने दीजिए, रिएक्टेंट अब नहीं होगा, तब इंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ये जो टूट गया ई प्लस पी में कर दीजिए, ई प्लस पी वन प्लस पी टू, इसको लिख सकते हैं इंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम कैटलिस्ट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम कैटलिस्ट, इट इज हाईली स्पेसिफिक नेचर। हम लोग क्या देखते थे, यूरिया को डिस्ट्रॉय करना है तो यूरेज ही लेंगे, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है तो पेप्सिन ही लेंगे, इस तरह से वेरी स्पेसिफिक नेचर का होता है। इंजाइम कैटलिस्ट है हाईली इफिशेंसी
एंजाइम कैटलिस्ट जो होता है हाईली इफिशेंसी वाला होता है, ये इंक्रीज कर देता है 10^8 to 10^20 टाइम्स रिएक्शन रेट को, 10^20 टाइम्स इंक्रीज कर देता है रिएक्शन रेट को। इट इज हाईली एक्टिव एट टेम्परेचर रेंज 298 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू कितना हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे देखते हैं गर्मी दिन 40-42 हो जाता है तो लोग को पचना कम शुरू हो जाता है, ठीक है, और पीएच चाहिए 5 to 7 का, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेटर इंक्रीज द एक्टिविटी, विटामिन कोएंजाइमिन सब मेटल आयन लाइक सोडियम आयन, विटामिन हम लोग क्या कर विटामिन लेते हैं काहे के लिए, एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जैसे कोई कमज़ोर हो जाता है तो क्या करता है वो विटामिन पीने लगता है, तो विटामिन पिए मतलब एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिए, ठीक है। जिसे हम लोग सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन कोबाल्ट मैग्नीज कॉपर ये सब आयन स्मॉल अमाउंट में इन्हेल ग्रहण करते हैं। इनहिबिटर एंड पॉइजन डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, जैसे मरकरी चला गया बॉडी में, ठीक है, आर्सेनिक चला गया बॉडी में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में, तो ये सब क्या करेगा एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये हो गया पॉइजन की तरह हो गया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद प्रोटीन जो है डीनेचुरेशन होने लगता है, वो टूटने लगता है, ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू अनफेवरेबल टेम्परेचर, 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, या केमिकल रिएजेंट ऐसा डाल दिए, तो ये सब अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन का क्या होता है डीनेचुरेशन होने लगता है, समझ गए। तो ये सब था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग स्टडी करते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रिपेयरिंग स्वीट सिरप में यूज होता है इसका एंजाइम का। प्रोडक्शन ऑफ बियर वाइन ये जहाँ पर है तो इसका इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करके बनाते हैं, चीज बनाते हैं कोगुलेशन ऑफ मिल्क से, कुछ डिजीज जो है वो कमी के कारण होता है जैसे टायरोसिनेज ये एल्बिनिज्म में होता है, फिनाइले लेनाइन हाइड्रोक्सीलेज ये कॉन्जेंटियल में होता है, ठीक है। तो टायरोसिनेज एल्बिनिज में है, ये कॉन्जेनिटल में है, स्ट्रेप्टोकिनेज ये ब्लड क्लॉटिंग इसके कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग होना नहीं लगता है, तो इससे क्या होगा ये हार्ट डिजीज के लिए ज़रूरी है, ये इसका कमी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, इसका कमी होगा तो ये हो जाएगा, इसका कमी होगा तो ये हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट एंजाइम के कमी के कारण बहुत तरह का डिजीज होता है बॉडी में। तो मेनली जो हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में करते हैं, स्वीट सिरप बनाने में, बियर वाइन के प्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके करते हैं, और चीज कोगुलेशन ऑफ मिल्क का करके करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया इसका एप्लीकेशन, ये डिफिशेंसी कारण ये सब डिजीज होगा, ये सब डिजीज है याद रखना है, बायोलॉजी वाले के लिए मेनली ये इम्पोर्टेंट है, आईआईटी सब में तो ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, ये सब बायोलॉजी वाले के लिए ये सब पूछते रहता है, तो ये बायोलॉजी के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो अब वीडियो एंजाइम कैटलिस्ट ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंजाइम कैटलिस्ट, वीडियो को केयरफुली देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।
मजे से देखिए वीडियो। थैंक यू। और वीडियो देखने के बाद नोट जरूर बनाया कीजिए। नोट बनाइएगा तो हमको नहीं लगता है जितना वीडियो बना रहे हैं उससे बाहर आईआईटी मेन और मेडिकल का क्वेश्चन बहुत कम ही रहेगा, लेकिन केयरफुल्ली उससे रिलेटेड रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा आईआईटी और मेडिकल का। देखिएगा क्वेश्चन बैंक लेकर के सब बनेगा। ये जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को देख लीजिए, बनाइए, सब बन जाएगा। थैंक यू।